में हेमंत सोरेन की सरकार है, पिछले दिनों 27% की उन्होंने भक्ति की, स्थानीय निकाय के चुनाव हुआ उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता सबों ने कहा था अब कोरोना की बहाना बना करके आपने 2 वर्षों तक पंचायत की चुनाव नहीं कराया तो और 6 महीना तक और विलंब कर दीजिए और आयोग गठित करके और पूरी प्रक्रिया को पूरा करके और फिर पंचायत की चुनाव कराइए, भारतीय जनता पार्टी आपको साथ देगी। लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सुनी और उन्होंने फिर चुनाव कराए, उस समय भी लोग हाई सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां जो आपने कहा कि एफिडेविट दिया कि आगे जो चुनाव होगी नगर निकाय की स्थानीय निकायों की तो हम फिर आयोग गठित करके पूरी प्रक्रिया पूरा करेंगे और फिर चुनाव कराएंगे। लेकिन सरकार ने अपने वादे से भी मुकर गए, आप तो वो प्रक्रिया को पूरी करनी चाहिए थी। आज भी इसके अंदर में कहीं एक नगर निकाय के चुनाव तो साल भर क्या 2 साल गुजर गए तब भी चुनाव नहीं कराया और 6 महीना विलंब हो, लेकिन उनको आयोग गठित करके पूरी प्रक्रिया को पूरी करके और उनके वर्ग के लोगों को हक दिलाते तो हम कहते कि वास्तव में आज जो इस प्रदेश में सरकार है वो ओबीसी के हितैषी है। लेकिन उन्होंने इस काम को किया नहीं और नगर निकाय चुनाव की उन्होंने घोषणा कर दी। अब जरा सोचिए कौन हितैषी है ओबीसी वर्ग के, और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कह रहा हूं कि आज जो ये झारखंड में सरकार है ये ओबीसी वर्ग के भी हितैषी नहीं है, झारखंड वासियों को ये हितैषी नहीं है। ये अगर हितैषी है सिर्फ अपने दलालों के प्रति वफादार, अपने वो क्या कहते हैं अपने परिवार के प्रति हितैषी है, उससे अधिक वो लंबी सोचती नहीं है। और वैसे ही अभी 32 के भी चर्चाएं हो रही थी, मैं लोगों से कहता हूं कि आप जरा देखिए उस 32 में क्या रखा हुआ है, उसके साथ नियोजन को उन्होंने जोड़ा भी नहीं है। तो मैं लोगों से कहता हूं कि उस 32 को लोग क्या करेंगे, हम लोग मानते हैं 32 है लेकिन आपने नियोजन को जोड़ा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो किस काम की वो 32 आपकी है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कह रहा हूं कि आज जो झारखंड प्रदेश में है झारखंड के लोगों की चिंता नहीं करती है, यहाँ की ओबीसी की चिंता नहीं करती है, दलित की चिंता नहीं करती है, एसटी क्या कहते हैं यहाँ के अनुसूचित जनजाति की आदिवासियों की वो चिंता नहीं करती है, ये अगर फिक्र करती है तो सिर्फ पैसे की फिक्र करती है, अपने परिवार की फिक्र करती है और उसी में वो लगी हुई है। और इसलिए आज झारखंड में अब तो 3 साल बने हुए इस सरकार को हो गया और इन 3 वर्षों में मात्र अब 2 महीना बचा हुआ है 3 साल पूरा होने में सरकार को, अब इन 3 वर्षों में क्या काम हुआ है। सरकार कहती है खूब काम हुआ, आज मैंने अखबार में देख रहा था वो कह रहे थे 20 वर्षों में परिवार के लिए जो भी नेता बैठे वो परिवार के लिए नहीं काम किया, झारखंड के विकास के लिए काम किया, झारखंड के गांवों के लिए काम किया, यहाँ के दलित यहाँ के ओबीसी यहाँ के आदिवासियों के लिए काम किया, यहाँ के विकास के लिए काम किया, अपने परिवार के लिए लोगों ने राजनीति किया, पैसे के लिए इन्होंने राजनीति किया और इतना लूटा। आप तो देख रहे हैं वो लुटेरे धीरे धीरे अब हटवार जेल की ओर जा रहे हैं और हमने कि हेमंत सोरेन की आप वहां भी अपने लिए कमरे को सुरक्षित करा लीजिए, जो गए हैं पता चला उन लोगों के लिए सुरक्षित कर रखे हैं, एक एक कैदी जो गए हैं उनके लिए तो हमको जो पता चला जेल से कुछ लोगों से पता चलता है उन्होंने रखो आज तक कल आपको जाना ही पड़ेगा वो हटवार जेल और कोई बचा नहीं सकता है। और भारतीय जनता पार्टी तब तक ये लड़ाई लड़ेगी जब तक इस राज्य सत्ता से हेमंत सोरेन को हम लोग धक्का देके नहीं हटा लेते हैं तब तक यहाँ की जनता की भला नहीं हो सकता है, ओबीसी का भला नहीं हो सकता है, दलितों का भला नहीं हो। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।